एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जो पिछले साल GDS 2PA, MTS 2PA और पोस्टमैन 2PA का जो एग्ज़ाम हुआ था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। आज उसके बारे में जानेंगे किस तरीके का पेपर आया था और किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। आज का पहला प्रश्न है, अगर कोई ILC इनलाइन लेटर कार्ड को प्राइवेट मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनवाया जाता है, प्राइवेट के द्वारा, तो अनफोल्डेड कंडीशंस में उसकी मैक्सिमम डायमेंशंस क्या होती हैं, कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई चौड़ाई कितनी हो सकती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कि उसकी जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दो, अगर कोई डिफेंस सर्विसेज में काम करता है, आर्मी या एयरफोर्स में काम करता है, तो उनकी जो डाक है वो किस माध्यम से भेजी जाती है। तो उनकी जो डाक है वो KR 56APO और 99APO के माध्यम से भेजी जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, KR 56APO और KR 99APO। क्वेश्चन नंबर तीन, फॉर लाइसेंस, लाइसेंस के लिए, किसके लिए लाइसेंस विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज का जो लाइसेंस है उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी करनी होती है। तो उसके लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो टोटल जो एक मंथ की जो पोस्टेज होती है उसका जितना भी अमाउंट है उसके बराबर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है या जितना भी अमाउंट होता है उसके बराबर सिक्योरिटी डिपॉजिट उनको करानी होती है। यानी कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो जो एक महीने की पोस्टेज का जो अमाउंट होगा उसके बराबर में होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चार, के जो दर्पण CVS ऐप होता है उसके माध्यम से कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स किए जा सकते हैं। उनके माध्यम से जो RICT डिवाइस होती है उसमें जो दर्पण में CVS का जो ऐप है उसके माध्यम से अकाउंट ओपनिंग, डिपॉजिट्स और विड्रॉल तीनों चीज़ें की जा सकती हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अकाउंट ओपनिंग। क्वेश्चन नंबर पाँच, जो दर्पण डिवाइस होती है उसमें किस प्रकार का प्रिंटर काम में लिया जाता है, यानी जो RICT डिवाइस है, मेन कंप्यूटिंग डिवाइस है, उसमें कौन से प्रकार का प्रिंटर यूज होता है। तो जो RICT डिवाइस में जो प्रिंटर है वो होता है थर्मल प्रिंटर, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, थर्मल प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर छः, के जो इंडिया है वो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट होती है वो लगभग कितने देशों के लिए इस सेवाओं को देता है। तो आज की डेट में टोटल कंट्रीज़ है 100, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सात, PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो प्रीमियम पेबल होता है, यानी कि जो प्रीमियम होता है वार्षिक रूप से, वो कितना होता है, वो होता है ₹12 पर ईयर, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आठ, जो पासबुक होती है POSA या जो अन्य पासबुक्स होती हैं उनमें जो एडवर्टीजमेंट यानी जो विज्ञापन छपते हैं वो किसका एक उदाहरण है, तो वो मीडिया पोस्ट का उदाहरण है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नौ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शंस को बताना है, किसके रेस्पेक्ट में करस्पॉन्डेंस एड्रेस टू द पर्सनल ऑफ इंडियन आर्म फोर्स सर्विंग आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो लोग इंडियन आर्म फोर्स में हैं लेकिन वो इंडिया से बाहर अपनी सर्विस देते हैं, उनके संबंध में जो चार ऑप्शंस हैं उनमें से असत्य कथन कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, उसको छानना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि जो उनकी डाक है वो 56APO या फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई के माध्यम से भेजी जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पोस्टेज, ऑप्शन नंबर बी गलत है कि उनको पोस्टेज से छूट दी जाती है, उनको पोस्टेज से छूट नहीं दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी है, इट इज़ ट्रीटेड एज इनलैंड आर्टिकल फॉर ऑल पर्पसेस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि उनके जो आर्टिकल्स हैं उनको इनलैंड आर्टिकल ही समझा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है, जो इंडियन आर्म फोर्स में जो लोग आउटसाइड इंडिया काम करते हैं उनके संदर्भ में, लेकिन जो प्रश्न का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी पूछा गया है कि जो इनकरेक्ट ऑप्शंस है वो उसको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, किसके रिगार्डिंग में, स्मॉल पैकेट सर्विस जो बाहर के देशों के लिए जो भेजे जाते हैं स्मॉल पैकेट, उनसे संबंध में जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, इट इज़ इंटेंडेड टू इनेबल ट्रांसमिशंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स बाई लेटर पोस्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है।
कि जो स्मॉल क्वांटिटीज़ की गुड्स हैं यानी कि सेवाएं सर्विसेज हैं उनको बाई लेटर पोस्ट ही ट्रांसमिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है कि जो गिफ्ट्स और आइटम्स हैं सेलेबल वैल्यू और सैंपल ऑफ मर्चेंडाइज कैन नॉट बी ट्रांसमिट बाई दिस सर्विस। ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कि ये स्मॉल पैकेट सर्विसेज जो बाहर के देशों के लिए दी जाती है उसके संदर्भ में ऑप्शन नंबर बी गलत है और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 के जो आरडी अकाउंट होता है उस पर जो एजेंट्स होते हैं उनको कितना परसेंट कमीशन दिया जाता है, तो उनको जो पेमेंट किया जाता है कमीशन के रूप में वो किया जाता है 4% के अकॉर्डिंग, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 4% कमीशन एजेंट्स को आरडी पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जो चार ऑप्शंस हैं उनमें से जो डिपार्टमेंट है सॉर्टिंग मेल ऑफिस का इनमें से कौन सा एक डिपार्टमेंट नहीं है ये पूछा गया है। तो जो मेल डिपार्टमेंट होता है सॉर्टिंग मेल ऑफिस का एक डिपार्टमेंट होता है, सॉर्टिंग भी होता है और रजिस्ट्रेशन भी होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो रिकॉर्ड होता है वो सॉर्टिंग मेल ऑफिस का एक डिपार्टमेंट नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, वाइल डिस्पैचिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल्स अ सिंगल बैग शुड नॉट कंटेन मोर देन, अगर किसी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के बैग को सिंगल बैग को अगर डिस्पैच करना है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने आर्टिकल्स रखे जा सकते हैं भेजे जा सकते हैं, तो जो सिंगल बैग होता है उसमें मैक्सिमम 600 यानी कि 600 से ज़्यादा रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को एक बार में डिस्पैच नहीं किया जा सकता, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी पूछा गया है कि जो नॉट प्रोविटेड है यानी कि जो निषिद्ध वस्तुएं हैं ट्रांसमिशंस के लिए बुक पैकेट के रूप में वो कौन सा नहीं है, यानी कि नॉट पूछा गया है, नॉट प्रोविटेड यानी निषिद्ध नहीं है यानी कि एक तरीके से भेजा जा सकता है ट्रांसमिशन के रूप में वो पूछा गया है। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो है कम्युनिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ अ लेटर और हैविंग करेक्टर ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कार्ड बियरिंग द हेडिंग पोस्ट कार्ड, ऑप्शन नंबर बी भी इसका गलत है। ऑप्शन नंबर सी पेपर मनी, पेपर मनी भी इस प्रश्न का सही आंसर नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिजनेस कमर्शियल और लीगल डॉक्यूमेंट ड्रोन होली और पार्सली बाई हैंड, यानी कि जो बिजनेस कमर्शियल और लीगल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूर्णतः या पार्शली रूप से हैंड के द्वारा लिखा हुआ नहीं होता है, इसलिए ये ट्रांसमिशंस के लिए निषिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, इन द रेस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल ऑन विच सम इज़ ड्यू द एड्रेसी, यानी कि अगर किसी आर्टिकल पर कोई पोस्टेज बकाया है या कुछ पेमेंट बकाया है तो उसके संदर्भ में जो एड्रेसी है जो प्राप्तकर्ता है उसको क्या क्या अधिकार हैं या उसको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कैन नॉट रिफ्यूज डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर नहीं है, उसको अधिकार है रिफ्यूज़ करने का और ऑप्शन में दिया गया कैन नॉट रिफ्यूज़, लेकिन एक्चुअल में जो एड्रेसी को जो आर्टिकल है जिस पर पेमेंट बकाया है उसको रिफ्यूज़ करने का भी अधिकार होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज़ नॉट बाउंड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन आर्टिकल इफ़ ही डज नॉट बाउंड टू टेक डिलीवरी, ऑप्शन नंबर बी सही है, अगर वो इफ़ ही डज नॉट बाउंड टू टेक डिलीवरी यानी कि अगर वो डिलीवरी को नहीं लेते हैं तो उनको ऐसी बाउंडेशंस नहीं है कि उनको जो बकाया है वो पे करना ही करना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसलिए जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, जो दर्पण का जो CBS ऐप है यानी कि जो RICT डिवाइस है उसमें जो पूछा गया है कि कौन कौन से एप्लीकेशंस अवेलेबल है, कौन कौन से ऐप RICT डिवाइस या मेन कंप्यूटिंग डिवाइस में होता है, जो प्रश्न था वो एकदम गलत था, लेकिन इसके जो ऑप्शंस हैं उनको मॉडिफाई किया गया है और जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि उसमें CBS भी ऐप होता है, एक PLI का ऐप भी होता है, डेल ऐप भी होता है, डेमो का भी ऐप होता है, डेमो का बुकिंग ऐप वो होता है और कॉमन ऐप भी होता है, तो इतने सारे ऐप्स इसमें होते हैं और ये सर्कल टू सर्कल बैरी करता है, इसलिए इस प्रश्न को DOP के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, रैम की फुल फॉर्म पूछी गई है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैम की फुल फॉर्म होती है
जो रैम का पूरा नाम है वो है रैंडम एसेस मेमोरी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 में आईटी के संदर्भ में यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्काउंट एलिजिबल फॉर कॉरपोरेट कंस्टूमर हु प्रोवाइड बिजनेस ऑफ ओवर 5 करोड़ पर मंथ, यानी जो 5 करोड़ से ज़्यादा का जो बिजनेस देते हैं जो लोग पर मंथ में, उनके लिए डिस्काउंट्स कितना एलिजिबल है। तो ये इस प्रश्न को भी डीओपी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्राम सुविधा क्या है, यानी कि ये पूछा गया है कि जो पॉलिसीज़ होती हैं पीएलआई आरपीएलआई की, उसमें जो आरपीएलआई की जो पॉलिसी है ग्राम सुविधा, उसका जो दूसरा नाम क्या है, उसका जो दूसरा नाम है ग्राम सुविधा का वो है ऑप्शन नंबर बी कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसे शॉर्ट में CWLAV कहते हैं। कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस को जो दूसरा नाम है वो ग्राम सुविधा भी है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अनडिलीवर्ड मेल रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इज इनकरेक्ट, यानी कि असत्य कथन को चाड़ना है। किसके संदर्भ में, अनडिलीवर्ड मेल यानी कि जो डाक वितरण नहीं हुई है और कहाँ से रिसीव्ड हो रही है, रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, विदेशों से जो डाक हमें रिसीव हो रही है और वो भटी हुई नहीं है, तो उसके संदर्भ में जो गलत कथन है उसको छाड़ना है। ऑप्शन नंबर ए इट इज़ रिटर्न टू द कंट्री ऑफ द ओरिजिन एंड डिलीवर्ड टू द सेंटर ऑन द पेमेंट ऑफ चार्जेज ड्यू इफ एनी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर नहीं है। यानी कि जो कर स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन हमें पूछा गया इनकरेक्ट, तो जो स्टेटमेंट है वो तो सही है लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है पोस्ट कार्ड डेट डू नॉट बियर एड्रेस ऑफ सेंडर आर नॉट रिटर्न, यानी कि जिस पोस्ट कार्ड पर सेंडर का एड्रेस नहीं होता है उसको रिटर्न नहीं किया जाता, ऐसा नहीं होता है, लेकिन स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन मतलब इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है ऑल अनडिलीवर्ड मेल इज़ रिटर्न बाई एयर, ये बिल्कुल गलत है कि जितनी भी जो डाक हैं वो जो अनडिलीवर्ड होती हैं वहाँ पर नहीं बढ़ती हैं, उनको एयर के माध्यम से यानी कि हवाई माध्यम से भेजा जाता है, ये गलत है, उनको बाई लैंड भी भेजा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। और जो बाकी के जो तीन स्टेटमेंट है कथन है तीनों वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, यानी कि सही कथन पूछा गया है विद रेफरेंस, किसके रेफरेंस में, पैकिंग ऑफ प्रिंटेड पेपर्स, प्रिंटेड पेपर्स के संबंध में उनकी जो पैकिंग के संदर्भ में जिनको कहाँ भेजना है, डेस्टिनेट टू द फॉरेन कंट्री, विदेश में जिनको भेजना है बाहर के देशों में उनको भेजना है, उसके संदर्भ में सत्य कथन छाड़ना है। जो सत्य कथन है ऑप्शन नंबर ए देखते हैं द पैकिंग मस्ट बी इन अ क्लोज्ड बॉक्स, ये बिल्कुल गलत है, क्लोज बॉक्स में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी द पैकिंग मस्ट बी वाटर रेजिस्टेंट, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी द पैकिंग शुड नॉट कंटेन एनी मेटेलिक पार्ट, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी द पैकिंग शुड फैसिलिट एन ईजी एंड क्विक एग्जामिनेशन ऑन द कंटेंट्स, यानी कि जो बॉर्डर पर जितने भी इनकी जो चेकिंग्स वगैरह होती हैं सामान के, उनको एग्जामिनेशंस करने में ईजी रहे और जल्दी से एग्जामिनेशंस कर ले उनका जो भी सामान है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 है विद रेफरेंस टू द रजिस्टर्ड आर्टिकल डेस्टिनेट टू फॉरेन कंट्रीज़, यानी कि जो विदेशों में जो बाहर के विदेशों में जो भी रजिस्टर्ड आर्टिकल जाते हैं उनसे उनके संदर्भ में कथन को देखना है कि उनसे संबंधित जो कथन सही कौन सा है उसको देखना है। ऑप्शन नंबर ए द रजिस्ट्रेशन फी कैन बी पेड बाई द एड्रेसी, ऑप्शन नंबर ए रजिस्ट्रेशन फ़ी यानी कि जो पंजीकरण शुल्क है उसे पे के द्वारा यानी कि जो एड्रेसी है यानी कि जो प्राप्तकर्ता है उसके द्वारा पेड किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी अनपेड एंड अंडरपेड आर्टिकल कैन बी रजिस्टर्ड, यानी कि जिन पर कुछ भुगतान बकाया हो या जिन पर बिल्कुल भी नहीं किया गया उनको रजिस्टर्ड किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी द रजिस्ट्रेशन फी द बेसिक पोस्टेज एंड अदर चार्जेस सच एज एयर सरचार्ज फी ऑफ एक्नोलेजमेंट मस्ट बी फुली प्रिपेयर्ड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर किसी को रजिस्टर्ड आर्टिकल बाहर के देशों में भेजना है तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फी है, पंजीकरण शुल्क है, बेसिक जो पोस्टेज है वो देनी है और अदर चार्जेस में जैसे एयर सरचार्ज है हवाई का जो चार्ज है, किसी को पावती की रसीद चाहिए, फी फॉर एक्नोलेजमेंट चाहिए, वो पावती की रसीद है उसका शुल्क आदि उनको प्रीपेड करने होते हैं, ये अंडरपेड या अनपेड नहीं हो सकते, प्रीपेड करने होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 24 नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में पूछा गया है, कौन से ऑप्शन सही हैं। इसको DEO के द्वारा क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन जो इसका जो मॉडिफाइड ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी के इनके काम को रात 8 बजे तक, 8:30 बजे तक और जो संडेज़ को इनके काम को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ये रात को इनका जो टाइमिंग है वो 8:30 बजे तक बढ़ाया जा सकता है और ये संडे को भी काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट इरेगुलरिटी टू बी नोटेड बाई द HS इन द डेली रिपोर्ट, यानी जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट्स होते हैं वो डेली रिपोर्ट में किस इरेगुलरिटी को, किस अनियमितता को नोट नहीं करते हैं, नॉट एन इम्पोर्टेंट यानी कि किसको नोट नहीं करते हैं, कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होती है इरेगुलरिटी के मामले, अनियमितता के मामले में। ऑप्शन नंबर ए है नॉन रिसीव्ड और रिसीव्ड ऑफ बैग इन डैमेज कंडीशन, इसको तो वो नोटिस करते ही हैं। ऑप्शन नंबर बी इन सबॉर्डिनेशन ऑफ स्टाफ, इसको भी नोटिस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑफ अकाउंटेबल आर्टिकल हैंडल बाय द सेट, इसको वो नोट नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लेट रिसिप्ट ऑफ मेल, इसको भी करते हैं। तो जो सही आंसर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 इफ ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन बाई पोस्ट एंड एनवलप विद एन ओपन पैनल ऑफ विंडो इज फाउंड टू बी नॉट इन कन्फर्मिटी विद द प्रिस्क्राइब कंडीशन, यानी कि अगर कोई लिफाफा है जैसे ओपन पैनल या विंडो पर उसको पाया गया है या मिला है और जो उसकी जो कंडीशंस है, प्रिस्क्राइब कंडीशंस है, उसकी जो मैक्सिमम डायमेंशंस वगैरह है और वेट है, अगर उसमें नहीं पाया जाता है तो उसका क्या करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इट शैल बी रिटर्न टू द सेंडर, यानी कि उसको जो भेजने वाला है उसको वापस भेज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अगर वो लिफाफा अगर सही ढंग से कन्फर्म्ड में नहीं है, प्रिस्क्राइब कंडीशंस में नहीं है, जो उनकी जो कंडीशंस हैं एनवलप की उसको फॉलो नहीं करता है, तो उसे सेंडर को ही वापस कर दिया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 एन एडवर्टीजमेंट मे बी डिस्प्लेड विद द फ्रैंक इंप्रेशन प्रोवाइड द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शंस, यानी कि असत्य कथन को छाड़ना है, किसके संदर्भ में एक विज्ञापन है जो कि डिस्प्ले हो रहा है, जिसको दिखाया जा रहा है और जो फ्रैंक इंप्रेशन है यानी कि जो फ्रैंकिंग मशीन्स की छाप है उसके माध्यम से अगर कोई एडवर्टीजमेंट छाप गया है, डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके संदर्भ में इनकरेक्ट ऑप्शंस को छाड़ना है, गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इट रिलेट्स सोलिडली टू द बिजनेस ऑफ द लाइसेंस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द इंप्रेशन ऑफ द लाइसेंस नंबर एंड द पोस्टमार्क, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी इट इज़ कन्फाइंड टू द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एनवलप और कार्ड, यानी कि इसको कन्फाइंड कहाँ पर किया जाता है, जो एनवलप है उसका जो लेफ्ट हैंड का जो ऊपर का है टॉप साइड में लेफ्ट हैंड कॉर्नर है वहाँ पर इसको कन्फाइंड किया जाता है। ऑप्शन स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है, लेकिन पूछा क्या गया इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है कि इसको इट हैज़ सोशली रिलेवेंट मैसेज, उसको सोशली सामाजिक मैसेज होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग इस पर अपना एडवर्टीजमेंट भी देते हैं, कुछ अपनी चीज़ों को प्रमोट भी करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो समाज से संबंधित मैसेज ही हो, इसलिए जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी और इस प्रश्न का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 इफ कंडीशंस रिगार्डिंग साइज ऑफ थिकनेस ऑफ द पोस्ट कार्ड आर इनफ्रेज्ड, पूछा गया है कि जो साइज एंड ऑफ द थिकनेस है पोस्ट कार्ड का, पोस्ट कार्ड के संबंधित जो भी कंडीशंस हैं साइज की, थिकनेस की, उससे संबंधित जो इनफ्राइज कंडीशंस क्या है, इनफ्राइज क्या है वो पूछा गया, कौन सा ऑप्शन इसमें से इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है वो है इट सेल बी टैक्स डबल द प्रीपेड रेट ऑफ द पोस्ट कार्ड, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इट शैल बी ट्रीटेड एज लेटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, इट शैल बी ट्रीटेड एज लेटर और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर बी ही है। क्वेश्चन नंबर 29 ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स दैट कैन बी ऑब्टेंड थ्रू द ESS पोर्टल ऑफ CSI, यानी कि जो ESS पोर्टल है CSI का, उसके माध्यम से जो ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स है वो जो ऑब्टेंड की जाती है, प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं, वो होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिपोर्ट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्यूटर माउस के बारे में पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि ये इनपुट डिवाइस है, इसके माध्यम से कमांड्स हम देते हैं, इसके माध्यम से हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है, इससे हम कमांड्स देते हैं,
इसलिए ये इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, कस्टमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन प्लेस ऑर्डर ऑन इंडियन स्टैम्प्स एंड फिलेटली मटेरियल यूजिंग। अगर कोई स्टैम्प्स को संचय करने का, इकट्ठा करने का या फिलेटली से संबंधित जो मटेरियल यूज़ करते हैं, अगर कोई व्यक्ति उसको लेना चाहता है, इंडियन स्टैम्प्स को, फिलेटली को ख़रीदना चाहता है, तो कहाँ से ले सकता है? ऑप्शन नंबर ए है, वो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से ले सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है कि जो ई पोस्ट ऑफिस है वहाँ से भी ये जो इंडियन स्टैम्प्स और फिलेटली का मटेरियल है उसे वहाँ से ले सकता है, कोई भी ले सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के बारे में सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, टायर वन इज़ अ पेंशन अकाउंट एंड इज़ मैंडेटरी। यानी जो टायर फर्स्ट का अकाउंट है वो एक पेंशन अकाउंट होता है और वो अनिवार्य रूप से खुलवाना ही होता है। तो जो NPS के बारे में जो सही कथन है वो यही है कि टायर फर्स्ट का जो पेंशन अकाउंट है वो मैंडेटरी होता है, लेकिन जो टायर सेकंड का जो सेविंग अकाउंट होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है, वो ऑप्शनल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि ये मैंडेटरी दिया हुआ है, ये ऑप्शनल होता है सेविंग अकाउंट, लेकिन जो पेंशन अकाउंट है वो मैंडेटरी होता है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स दैट टू बी पोस्टेड एट अ टाइम फॉर अ बिल मेल सर्विस। यानी कि अगर कोई बिल मेल सर्विस के माध्यम से अगर कोई आर्टिकल्स को पोस्ट करता है तो एक साथ में मिनिमम कितने आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकता है? तो जो लिमिट है मिनिमम की वो है 5000। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। इस प्रश्न को DOP के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, द फ्रेज पोर्ट पे मीन्स, यानी कि जो पोर्ट पे शब्द है इसका मतलब क्या है? पोर्ट पे जो शब्द है उसका मीन्स होता है पोस्टेज पेड, पोस्टेज पेड। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पोस्टेज हैज़ बीन प्रीपेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, पोस्टेज पेड या पोस्टेज हैज़ बीन प्रीपेड। क्वेश्चन नंबर 38 SP ऑर्डर से संबंधित है। ये 2018 यानी 2018 का क्वेश्चंस पेपर है और वहीं से लिया हुआ है SP ऑर्डर है, लेकिन जो इस साल जो पेपर होगा उसमें 2020 से संबंधित SP ऑर्डर से संबंधित ही क्वेश्चंस आएगा, इसलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन जो SP ऑर्डर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो 2020 से अपडेटेड ही होंगे, पुराने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द SPM विद रेफरेंस टू द एग्जामिनेशन ऑफ BO डेली अकाउंट। अगर कोई SPM BO डेली अकाउंट को एग्जाम करता है या उनको चेक करता है तो SPM की जिम्मेदारी निम्न में से कौन सी नहीं है? यानी कि तीन जिम्मेदारियाँ तो हैं, इसमें से चार में से एक नहीं है, देखते हैं कौन सी। ऑप्शन ए, एग्जाम द डेली अकाउंट एंड सर्टिफाई हिमसेल्फ दैट इट इज़ प्रॉपरली प्रीपेड और एंड द क्लोजिंग बैलेंस एग्री। यस, ऑप्शन नंबर ए सही है कि वो डेली अकाउंट को देखेंगे BO वाले को कि BO डेली अकाउंट कैसा लेके आया है, वो प्रॉपरली सही है कि नहीं है, सही तरीके से बनाया कि नहीं, और जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है वो सही है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, वेरीफाई द आइटम्स ऑफ ट्रांजेक्ट, यानी कि वो जो ट्रांजेक्शंस करके लेके आए हैं उनको वो वेरीफाई करेंगे। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, इंक्वायर इनटू सस्पिशियस अल्टरनेशंस, यानी कि जो भी चेंजेस उन्होंने किए हैं उनको वो देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, प्रिपेयर पर्सनली कन्वे द कैश टू द BO। नहीं, ये SPM का काम नहीं होता, ये IPMO का काम होता है या SP का काम होता है कि जो पर्सनली जो उनका कैश है BO में उसको वो चेक करें। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नॉट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 38, इफ एनी आर्टिकल फॉर द डेस्टिनेशन एब्रॉड इज फाउंड टू बी एडजस्टेड इन इंडियन लैंग्वेज, यानी कि अगर कोई आर्टिकल है उसको बाहर भेजना है इंडिया से बाहर और उस पर जो पता है उसको इंडियन लैंग्वेज में ही एड्रेस लिखा हुआ है, तो उससे संबंधित कौन सा कथन सही है? तो अगर कोई आर्टिकल है उसको इंडियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है उस पर जो एड्रेस है और उसको भेजना बाहर के देशों में, तो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर में उसका जो एड्रेस है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको फर्दर आगे भेजा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस मस्ट बी ट्रांसक्रिप्टेड टू इंग्लिश एंड फर्दर प्रोसेस्ड। क्वेश्चन नंबर 39, पेनल्टी फॉर इन्फ्रेंचमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ बिजनेस रिप्लाई सर्विस। इस प्रश्न को भी DOP के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, पोस्ट रेस्टेंट इज, यानी जो शब्द पोस्ट रेस्टेंट है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? उसका जो
सही अर्थ है वो है कि आर्टिकल टू बी डिटेंड एट द ऑफिस ऑफ डिलीवरी एंड आर्टिकल एड्रेस टू द केयर ऑफ द पोस्ट मास्टर, यानी जो ऑप्शन बी और सी है वो दोनों करेक्ट हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, SOM की फुल फॉर्म पूछी गई है फ्रैंकिंग मशीन के संदर्भ में, तो जो SOM की फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट ऑफ मेल। क्वेश्चन नंबर 42, इंडिया पोस्ट के जो ATM है उसके संदर्भ में सही कथन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए, इंडिया पोस्ट के जो ATM है वो इंटर ऑपरेबल हैं और अदर बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजेक्शन आर लिमिटेड टू द ATM पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो ATM इंडिया पोस्ट के जो ATMs हैं वो पोस्ट ऑफिस तक ही लिमिटेड हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बिल्कुल गलत है, सी तो दोनों हो ही नहीं सकते, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कि वो इंडिया पोस्ट के जो ATM है वो इंटर ऑपरेबल के साथ साथ अदर बैंक का कोई कस्टमर आता है तो उनसे भी वो ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, CSI की फुल फॉर्म, CSI की फुल फॉर्म है कोर सिस्टम इंटीग्रेटेड, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट है, अगर कोई घरेलू स्पीड पोस्ट है तो उसके लिए जो इंश्योरेंस की लिमिट क्या है, बीमित की लिमिट क्या है, उसको कितने रुपए तक का जो बीमा है स्पीड पोस्ट का वो इंश्योर्ड कितने रुपए तक करवा सकते हैं, तो वो 1,00,000 रुपए तक की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, PPF का अकाउंट अगर किसी को खोलना है तो मिनिमम कितने रुपए देने होंगे, उसके लिए है 1,000 रुपए, कम से कम 1,000 रुपए से फिलहाल जो PPF का अकाउंट है वो खोलता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कि अगर कोई फॉरेन के लिए अगर कोई आर्टिकल भेजा जाता है और उस पर जो एड्रेस लिखा है उसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ज़रूरत नहीं है चारों में से, तो डिलीवरी जोन नंबर और पोस्ट कोड नंबर ये तो लिखना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नेम ऑफ द प्रोविंस प्रांत का नाम लिखना भी अनिवार्य है, नेम ऑफ द कंट्री देश का नाम लिखना भी अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर डी, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट महाद्वीप का नाम लिखना अनिवार्य नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, इन द रेस्पेक्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ द कंडीशन फॉर आर्टिकल डेस्टिनेड टू द फॉरेन कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, गलत कथन कौन सा है, किसके संदर्भ में अगर कोई आर्टिकल को बाहर देश यानी विदेशों में भेजना है तो ब्रीच ऑफ कंडीशंस पूछा गया है कि उसकी जो ब्रीच ऑफ कंडीशंस क्या है, ऑप्शन नंबर ए, द आर्टिकल मे बी रिटर्न टू द सेंडर रिकवरिंग एनी चार्जेस दैट मे बी ड्यू ऑन देम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो आर्टिकल है जो सेंडर को भेजे जाते हैं रिकवरिंग एनी चार्जेस दैट मे बी ड्यू ऑन देम, बिल्कुल सही ऑप्शन है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, इफ दे हैव लेफ्ट द शोर ऑफ इंडिया द कंट्री ऑफ द डेस्टिनेशन मे डिलीवर अकॉर्डिंग टू इट्स इंटरनल लेजिग्नेशंस, यानी कि अगर उसने शोर को इंडिया के जो शोर है उसको छोड़ दिया है और कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन पर अगर कोई आर्टिकल पहुंच गया है तो उस देश के जो अंतर्गत जो आंतरिक नियम है उनके अकॉर्डिंग ही उस डाक को बांटा जा सकता है, वो उनके देश का एक आंतरिक मामला हो जाता है कि वो किस तरीके से डाक को बांटते हैं, नहीं बांटते हैं, अनडिलीवर्ड करते हैं या लौटाते हैं, वो सारी जिम्मेदारियां उस देश की होती हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, इफ द ब्रीच रिलेटेड टू द एक्सीडेंट द मैक्सिमम वेट डबल द पोस्टेज मे बी कलेक्टेड, ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है और इस प्रश्न का सही आंसर भी ऑप्शन नंबर सी है क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48, पेरेवियन का शाब्दिक अर्थ क्या है, पेरेवियन का शाब्दिक अर्थ है वो है बाई एयर मेल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, SB ऑर्डर है 13/2018, SB ऑर्डर के प्रश्न को सॉल्व करने का कोई मतलब भी नहीं है, तो जो SB ऑर्डर है वो 2020 का ही पूछा जाएगा, इसलिए 2020 से संबंधित के जो SB ऑर्डर्स हैं उनको ही हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, इंटरप्शंस ऑफ मेल सर्विस मस्ट बी रिपोर्टेड बाई द HSA2, यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शंस बताना है कि अगर कोई हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है अगर मेल सर्विस इंटरेक्शंस होती हैं तो किन को रिपोर्ट नहीं करेगा, इनकरेक्ट ऑप्शंस बताना है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो वो सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्टर को भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड ऑफिसर को भी कर सकते हैं और हेड ऑफ द रीजन को नहीं कर सकते, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर वो ऑप्शन नंबर डी क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा गया है। ये है।